हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं वहाँ पे डेली जाया करती थी। सो आज मैं आप सबको गुरुद्वारा लेकर जा रही हूँ, मतलब उस गुरुद्वारा मैं डेली जाया करती थी। और ये कच्चा रास्ता है, ये मतलब शॉर्टकट है, तो इस साइड से जल्दी पहुँच जाते हैं। और जो पक्का रास्ता है, उस साइड से अप्रोक्स 1 किलोमीटर का रास्ता है और इस साइड से 0.5 किलोमीटर का रास्ता है। सो अभी यहाँ खेत खाली है, अभी कुछ लगाया नहीं हुआ है। ये रहा पुराने टाइम का कुआं, अब के टाइम में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरीके के, ट्यूबवेल वगैरह ही होते हैं ज़्यादातर। जब मैं डेली आया करती थी तो मैं लोगों को देखती थी कैसे मेहनत कर रहे हैं, बारिश में, धूप में, हर सीज़न में सब्जियों को उगा रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं। हमें तो एटलीस्ट अगर मेहनत करनी है तो कम से कम धूप में नहीं, पंखे के नीचे बैठ के ही प्रिपरेशन करनी होती थी। सो इन सब चीज़ों को देख के मैं बहुत मोटिवेट होती थी। सो इस सारे व्यू को देखते हुए जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता है। अब ऐसा है कि ड्यूटी टाइमिंग में बहुत कम आ पाती हूँ, जब भी छुट्टी होती है 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो हार्डली एक दिन ही आ पाती हूँ, क्योंकि आने से पहले ही डिसाइड होता है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल की स्टार्टिंग भी मेरे इस ब्लॉग से हो, जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है। सो ये है वो गुरुद्वारा, कितना ज़्यादा शांति है। अभी तो हम फिर भी टाइम से पहले आ गए हैं। सो ये वो प्लेस है, अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। इस प्लेस को हरड़ा वाला बाग बोला जाता है, जो नियर बाय यहाँ के नज़दीक लोग रहते हैं गांव के, वो बारादरी भी बोलते हैं। अभी अंदर चलते हैं और माथा टेकते हैं। फाइनली ये वो जगह है जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और हमेशा मिली भी हैं। जब भी मैं डीमोटिवेट फील करती थी, जब भी मुझे लगता था कि पता नहीं अब लाइफ का क्या होगा, तो फाइनली मैं यहाँ पे आके बात ख़त्म कर देती थी कि अब जो भी है यही आगे देखेंगे, मेरा काम तो सिर्फ मेहनत करना है। यहाँ पर आपको ये चारों तरफ दरवाजे बने दिख रहे हैं, ये टोटल 12 दरवाजे हैं और इसीलिए इस जगह को बारादरी बोला जाता है। मैं अपने पोस्टिंग एरिया में भी सबसे ज़्यादा यही मिस करती हूँ कि मैं गुरुद्वारा नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं डेली जाया करती थी। सो अब मैं नहीं जा पाती हूँ। वैसे भी किसी भी चीज़ के लिए आपके दिल में जगह होनी चाहिए, फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी बैठे हो। 7 दिन का पाठ रखा जाता है, तो अभी वो पाठ तो रख चुके हैं। सो ये इस सारे एरिया में लंगरहार की व्यवस्था की जाती है, इस साइड रसोई घर बनाए जाते हैं, जो भी खाना वगैरह इस साइड पकता है। पूरे 7 दिन पाठ चलता है और 7वें दिन भोग डाला जाता है और पाठी बैठ के सत्संग करते हैं और यहाँ पे सारी संगत बैठती है। गर्मियों के दिनों में जब ये भंडारा होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है कि ओपन एरिया में होता है, बाहर गर्मी बिल्कुल नहीं होती है। अभी घरों में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होती है, बट यहाँ बिल्कुल ठंडा लगता है। पूरे 7 दिन पाठ चलता है और पाठी यहीं पे रहते हैं, उनका स्टे करने का पूरा इंतज़ाम यहीं पे होता है। राइट हैंड साइड पे आपको शटर से दिख रहे होंगे, यहीं पे उनके स्टे करने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। इस तरीके से पूरा 7 दिन यहाँ पे पाठ चलता है, रौनक रहती है। गांव के लोग जिनके खेतों में जो जो लगा होता है वो सारा कुछ यहाँ पर देख कर जाते हैं, पूरी श्रद्धा से, मन से यहाँ पर सेवा करते हैं। पूरे गाँव के लोग होते हैं, सिर्फ अपना ही गाँव नहीं, आसपास के 3-4 गाँव के लोग होते हैं। और 7वें दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सो वह एक बहुत ही बढ़िया टाइम होता है कि लोग घरों से जब भी अपना खेतों से काम वगैरह ख़त्म करके यहाँ पे आते हैं तो शाम को सत्संग सुनते हैं। सो अभी वो पाठ हो चुके हैं, मैं नहीं आ पाई थी, चलो कोई बात नहीं। सो मैंने वो टाइम मिस कर दिया, सो अभी मैं अब आई हुई हूँ। बस यही थी मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, जब मैं प्रिपरेशन करती थी यहाँ पे आती थी, काफ़ी टाइम यहाँ पे बिता के जाती थी, जो मन करे सेवा वगैरह कर लेती थी और इसके साथ ही नहीं तो अंदर बैठ जाती थी और वहाँ पे काफ़ी टाइम रुक के जाना। चाहे वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं पता लगा होगा, बट मैं यहाँ पे डेली आया करती थी तो मेरा एक अलग ही यहाँ इस प्लेस से फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे आके, रिलैक्स फील होता था, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रिपरेशन टाइम कितना हार्ड टाइम होता है और जो प्रिपरेशन करते होंगे उनको पता होगा। सो अभी तो मेरी पोस्टिंग ही काफ़ी दूर आई हुई है तो बहुत कम आ पाती हूँ, जब भी छुट्टी पे आऊँ तभी आ पाती हूँ। इसलिए मैंने उस प्लेस की सबसे पहले वीडियो डाली, उस गुरुद्वारा की, यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।